हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा आई शुडंट बी अलाइव सर्वाइवल सीरीज का एक और एपिसोड। इस एपिसोड में हम देखेंगे जब स्टीवन कैलाहा की बोट अटलांटिक ओशन में डूब गई, तब उसे एक छोटी लाइफ राफ्ट में जाना पड़ा। तब वो जमीन से हजारों किलोमीटर दूर था, इसीलिए 76 दिनों तक अपनी जान बचाने के लिए उसे समुद्र में भूख प्यास और अपने ही दिमाग से लड़ना पड़ा, क्योंकि तब स्टीवन साइकोलॉजिकली भी टूट रहा था। ये जिंदा रहने के लिए स्टीवन के सर्वाइवल की एक सच्ची कहानी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में 29 साल का स्टीवन कैनरी आइलैंड के बीच पर अपनी बोट तैयार कर रहा था। दरअसल पहली बार समुद्र में जाने पर उसे ये बहुत एडवेंचरस लगा था। स्टीवन पहले ही यूएसए 20 से कैनरी आइलैंड तक जा चुका है और अभी स्टीवन 3500 किलोमीटर की ट्रिप पर जाने वाला है। इस ट्रिप में स्टीवन अटलांटिक ओशन से होते हुए कैरेबियन वापस आएगा। इस ट्रिप में लोगों को महीनों लगते हैं, लेकिन स्टीवन को यकीन था ये ट्रिप वो कुछ हफ्तों में ही खत्म कर लेगा। ये ट्रिप स्टीवन के लिए सिर्फ एडवेंचर नहीं थी बल्कि उसे अपने हालातों से भी भागना था। दरअसल स्टीवन का कुछ समय पहले ही डाइवोर्स हुआ है, इसीलिए नई जिंदगी की शुरुआत करने उसे कुछ टाइम चाहिए। अब स्टीवन अपनी बोट तैयार करता है, फिर कुछ समय बाद अपने सफर पर निकल जाता है। अभी समुद्र में सिर्फ उसकी ही बोट दिखाई दे रही थी। स्टीवन ने सोचा था समुद्र में अपनी बोट के साथ अकेले उसे अपने हालातों से निकलने में मदद मिलेगी। स्टीवन उन लोगों में से था जिन्हें अपने अलावा किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में ही खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को अकेलापन बहुत पसंद होता है, यहाँ तक कि स्टीवन खुद को एक सी क्रिएचर समझता था। अब सफर के एक हफ्ते तक मौसम बिल्कुल ठीक रहता है। स्टीवन अपनी जर्नी बहुत इंजॉय भी कर रहा था। वो कभी बोट पर बैठे बैठे रेडियो सुनता तो कभी अपनी एक्सरसाइज करता। वहाँ उसे बिल्कुल घर जैसा लग रहा था, लेकिन एक हफ्ते और 800 किलोमीटर चलने के बाद मौसम बदलने लगा। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी और बहुत बड़ी बड़ी लहरें भी उठ रही थी, लेकिन स्टीवन को इन हालातों का एक्सपीरियंस था। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, स्टीवन इससे भी ज्यादा खराब मौसम देख चुका है। उसे लगा ये मौसम एक या दो दिन रहेगा, उसे मौसम की ज्यादा फिक्र नहीं थी। उसे सब कुछ ठीक लग रहा था और सब कुछ ठीक था भी। अब रात होने पर बोट को ऑटो पायलट पर छोड़कर स्टीवन अंदर सोने आया। अभी तक मौसम खराब ही था। काफी लोगों को लगता है सेलिंग करने में बहुत शांति है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। रात में लहरें जोर जोर से बोट से टकराती है, लगातार आप हिलते रहते हो। इन सब के बीच नींद आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्टीवन के लिए ये सब नया नहीं था। उसे इन सब की आदत थी, इसीलिए स्टीवन आराम से सो गया। लेकिन कुछ समय बाद अचानक कोई चीज बहुत जोर से बोट से टकराई और तुरंत ही बोट में पानी भरने लगा। स्टीवन को पता नहीं था बोट से क्या टकराया है, लेकिन वो जो भी चीज थी उससे तुरंत ही बोट में पानी भरने लगा। टकराने के कुछ ही सेकंड बाद पानी स्टीवन के सिर तक पहुंच गया था। स्टीवन को पता था ये बोट डूबने वाली है, उसे कुछ ही देर में लाइफ राफ्ट तक पहुंचना होगा। इसीलिए एक चाकू लेकर स्टीवन तुरंत बाहर आया और अपनी लाइफ राफ्ट को समुद्र में फेंक कर उसे खोलने की कोशिश करने लगा। लाइफ राफ्ट को खोलने एक रस्सी को खींचना था, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो राफ्ट नहीं खुलती। लेकिन खुशकिस्मती से कुछ देर बाद राफ्ट खुल जाती है। राफ्ट के खुलते ही स्टीवन तुरंत उसके अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो बोट में बंधी रस्सी काटने वाला था, स्टीवन को याद आया उसकी इमरजेंसी सर्वाइवल किट बोट के अंदर ही है। उस किट के बिना वो समुद्र में 2 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तब स्टीवन सोच में पड़ गया वो क्या करे, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि बिना सर्वाइवल किट के वो वैसे भी बचने नहीं वाला। इसीलिए उसने बोट के अंदर जाने का फैसला किया। वो तुरंत बोट के पास आया और एक गहरी सांस लेकर बोट के अंदर चला गया। अंदर काफी अंधेरा था, उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन उसे पता है उसने वो किट कहाँ रखी है, लेकिन वो रस्सी से बंधी थी। स्टीवन ने तुरंत रस्सी काटनी शुरू की। वो रस्सी बहुत टाइट बंधी हुई थी, लेकिन थोड़ी कोशिशों के बाद रस्सी कट गई। अब स्टीवन किट लेकर तुरंत एग्जिट हैच से बाहर आ रहा था, लेकिन बोट लगभग डूब गई थी और पानी के प्रेशर से वो हैच लॉक हो गया था। स्टीवन ने हैच खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हैच नहीं खुलता। उस समय स्टीवन को लगा उसका खेल खत्म और अब वो यही मरने वाला है। लेकिन जैसे ही स्टीवन के लंग्स जवाब देने वाले थे, तभी एक बड़ी सी लहर बोट
बोट से टकराई, जिससे कुछ सेकंड के लिए हैच के ऊपर से पानी हटा और वो हैच फ्री हुआ। तब एक सेकंड भी गवाए बिना स्टीवन तुरंत बाहर आया। अब और टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टीवन किट लेकर तुरंत राफ्ट में आ गया। राफ्ट में आकर स्टीवन अपनी बोट से दूर जा रहा था और धीरे धीरे अपनी बोट अपने सपने को डूबते हुए देख रहा था। लेकिन राफ्ट में आकर भी स्टीवन सुरक्षित नहीं था। उस दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बड़ी बड़ी लहरें राफ्ट से टकरा रही थी। बारिश होने की वजह से स्टीवन बहुत गीला भी था और ठंड भी बहुत थी। स्टीवन ठंड से कांप रहा था, उसे डर था उसे हाइपोथर्मिया ना हो जाए और शायद वो सुबह तक जिंदा ना बच पाए। अब इसी डर में स्टीवन ने वो रात गुजारी। कुछ घंटों बाद सुबह हुई। ये स्टीवन का राफ्ट पर पहला दिन था। जब स्टीवन बाहर निकला तब उसे अपनी सिचुएशन समझ आई कि वो अटलांटिक ओशन में बिल्कुल अकेला है और जहाँ वो अभी है समुद्र का वो हिस्सा भी बिल्कुल वीरान है। वहाँ से शिप्स और बोट भी बहुत कम गुजरती है। उसके पास कम्युनिकेशन का भी कोई रास्ता नहीं और ना ही उसे कोई ढूंढने वाला है। दरअसल घर से निकलने से पहले उसने सबको बताया था वो 3-4 हफ्तों के लिए सेलिंग एडवेंचर पर जा रहा है और कोई उसकी फिक्र ना करे। फिर स्टीवन हिसाब लगाता है, वो अभी जमीन से हजारों किलोमीटर दूर है और अब वो पूरी तरह से लहरों और हवाओं के रहमो करम पर है, क्योंकि सिर्फ हवा और लहरें ही उसे समुद्र से निकाल सकती है। अभी स्टीवन जहाँ है वहाँ से कोई भी शिप्स नहीं गुजरती, इसीलिए उसे समुद्र के उस हिस्से में जाना होगा जहाँ से शिप्स गुजरती हो। अब उसके बचने का यही एकमात्र रास्ता है। स्टीवन ने हिसाब लगाया था शिपिंग रूट यहाँ से 350 किलोमीटर दूर वेस्ट में है। अगर हवा उसे वहाँ तक बहाकर ले भी जाए तब भी उसे वहाँ पहुँचने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। लेकिन उसके पास पीने का पानी बहुत कम है। उसके पास जितना पानी था वो उसे सिर्फ 8 दिन तक ही पूर सकता है। अब बिना पानी के उसका शिपिंग रूट तक जिंदा पहुँचना नामुमकिन था। यह स्टीवन एक बात कहता है कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान समुद्र है, क्योंकि इतना सारा पानी होने के बाद भी आप उस पानी को पी नहीं सकते और समुद्र में धूप से बचने के लिए भी कोई जगह नहीं होती। इन सब वजहों से स्टीवन के बचने की उम्मीद भी बहुत कम थी। स्टीवन के पास एक हार्पून था। हार्पून मछलियों को पकड़ने की एक गन होती है। हार्पून के अलावा स्टीवन ने अपनी बोट में सप्लाई की कुछ और चीजें बचाई थी। उसकी सर्वाइवल किट में 3 इमरजेंसी वाटर प्योरिफिकेशन किट थी। इमरजेंसी वाटर प्योरिफिकेशन किट को सोलार स्टील भी बोला जाता है, लेकिन स्टीवन को पता नहीं था सोलार स्टील को यूज कैसे करना है। साथ ही उसे लग रहा था सोलार स्टील उसके जरूरत जितना पानी नहीं बना पाएगा, लेकिन फिर भी स्टीवन एक सोलार स्टील को लगाकर पानी में डालता है। बाकी काम धूप और गर्मी का था। धूप नमक को पानी से अलग करेगी। अब आधे घंटे बाद सोलार स्टील के बैग में बहुत सारा पानी था। उस पानी को देखकर स्टीवन बहुत खुश हुआ, लेकिन वो पानी खारा ही था, मतलब सोलार स्टील काम नहीं कर रहा। स्टीवन ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार सोलार स्टील का पानी खारा ही था। उसे अभी तक समझ नहीं आया सोलार स्टील काम कैसे करता है। अब कुछ घंटों बाद फिर से रात होती है। रात में बारिश भी हो रही थी। स्टीवन को पता था उसे अपने पीने के पानी का कोई ना कोई इंतजाम करना ही होगा। तभी उसे याद आया समुद्र में फंसे बहुत से लोग बारिश के पानी पर सर्वाइव कर पाए हैं। इसीलिए स्टीवन राफ्ट की छत पर जमा पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उस पानी में राफ्ट की छत का कलर और उसके केमिकल मिल गए थे, क्योंकि राफ्ट प्लास्टिक से बनी थी। उस पानी को पीना बहुत खतरनाक था, इसीलिए स्टीवन उस पानी को नहीं पीता। अब रात में स्टीवन अपनी कहानी लिखता है कि कैसे उसकी बोट डूबी और वो समुद्र में फंसा। अब अगला दिन निकलता है। शिपिंग रूट पर जाना ही स्टीवन के बचने का एकमात्र रास्ता है। शिपिंग रूट पर जाने उसे कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन उसके पास सिर्फ 1-2 दिन जितना पानी ही बचा है। सुबह उठते ही उसे प्यास लगती है, लेकिन स्टीवन बस थोड़ा थोड़ा पानी ही पी रहा था। उसका मन तो कर रहा था वो एक बार में सारा पानी पी जाए, लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करके एक एक घूंट पानी पी रहा था। अब धीरे धीरे 3, 4, 5 फिर 6 दिन गुजर जाते हैं। अब 7वां दिन निकलता है। अपने लिमिटेड सप्लाई पर स्टीवन 7 दिन तक किसी तरह बच गया, लेकिन अब उसका पानी खत्म हो चुका है। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ सोलार स्टील ही है, लेकिन पहले उसे समझना होगा वो क्या गलत कर रहा है। ये समझना मुश्किल था कि सोलार स्टील काम कैसे करता है। तब जोखिम उठाकर स्टीवन ने 3 में से 1 सोलार स्टील को फाड़ दिया, फिर उसे अंदर से काट कर देखा। दरअसल उसे पता लगाना था सोलार स्टील आखिर काम कैसे करता है। अंदर से काट के देखने पर स्टीवन को समझ में आ गया सोलार स्टील को आखिर इस्तेमाल कैसे करना है। कुछ देर बाद उसने दूसरे सोलार स्टील से पानी प्यूरिफाई किया, फिर उसे पीकर देखा और लकीली वो पानी मीठा था। उस पानी को पीकर स्टीवन को बहुत राहत मिली, क्योंकि अब उसके पानी की परेशानी लगभग हल हो गई थी। अब उसके पास थोड़ा बहुत पानी का सप्लाई है, लेकिन 7 दिन बाद उसके सामने एक और परेशानी थी। उसका खाना खत्म हो गया था। उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। अब ऐसे ही 10 दिन हो जाते हैं।
11वें दिन वो सोच रहा था शायद वो भूख से मर जाएगा, लेकिन तभी उसे पानी में मछलियां दिखाई दी। तब स्टीवन ने तुरंत अपना हार्पून निकाला। यहाँ उसके लिए बहुत अच्छा मौका था। अगर उसने तीर से मछली मार ली तो 4 दिन बाद उसे खाना मिलेगा, लेकिन अफसोस उसके तीर में मछली नहीं फंसती। स्टीवन लगातार कोशिश करता रहता है लेकिन मछली नहीं फंसती। ये काम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि समुद्र में रहने के बाद भी उसके हाथ एक भी मछली नहीं लग रही थी। स्टीवन ने मछली पकड़ने में पूरा दिन लगा दिया और जब उसे लगा कि उसने मछली पकड़ ली है तब उसे पता चला उसके हार्पून का फायर मैकेनिज्म ही खराब हो गया है। तब उसने तीर को हार्पून में बांध दिया। अब वो ज्यादा दूर तक शूट नहीं कर सकता था, मतलब उसे अपने ठीक सामने मछली पकड़नी होगी। स्टीवन ने कोशिश भी की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे बहुत भूख लग रही थी। अब ऐसे ही 12 फिर 13 दिन हो जाते हैं। स्टीवन 2 दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब उस रात स्टीवन बहुत डिप्रेस था कि आखिर उसने खुद के साथ क्या कर लिया है। अब अगला मतलब 14वां दिन निकला। अब तक स्टीवन की मछली पकड़ने की सारी कोशिशें बेकार गई थी, लेकिन फिर भी स्टीवन ने हार नहीं मानी क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अगर वो मछली नहीं पकड़ेगा तो भूख से मारा जाएगा। उसे पता था मछली पकड़ना आसान नहीं होगा। तभी उसे एक और मछली दिखाई दी। तब वो तुरंत अपना स्पीयर लेकर तैयार हो गया और जैसे ही मछली उसके पास आई स्टीवन ने तुरंत मछली पर वार किया और 1 हफ्ते बाद फाइनली स्टीवन ने अपनी पहली मछली पकड़ी। वो काफी बड़ी मछली थी। उसे राफ्ट पर लाने में स्टीवन को बहुत मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इतने दिनों बाद अब उसके पास खाना था। तब स्टीवन बहुत खुश हुआ जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। फिर स्टीवन ने उस मछली को खाना शुरू किया। इतने दिनों बाद कुछ खाकर स्टीवन को बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी मछली उसने राफ्ट के अंदर सुखाने रख दी। अब उसके पास पानी और खाना दोनों थे और उसकी राफ्ट भी ठीक थी, इसीलिए अब वो अपने रास्ते पर ध्यान दे सकता था क्योंकि अब वो कम से कम भूख और प्यास से नहीं मरेगा। अब उसकी उम्मीदें बढ़ गई थी। उसे लग रहा था वो यहाँ से जिंदा निकल सकता है, लेकिन समुद्र में भूख और प्यास के अलावा और भी बहुत सारे खतरे होते हैं। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है। खाना खाने के बाद स्टीवन बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसे पानी में कुछ छपकने की आवाज आई और तभी उसकी राफ्ट से कोई बहुत बड़ी चीज टकराई, जैसे उसकी राफ्ट को किसी ने पंच मारा हो। स्टीवन को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसे एक और झटका लगा। दरअसल एक बहुत बड़ी शार्क स्टीवन के राफ्ट पर हमला कर रही थी। स्टीवन को शार्क का फिन दिखाई दिया। अगर शार्क ऐसे ही लगातार हमला करती रही तो राफ्ट फट जाएगी और स्टीवन पानी में होगा, तब उसे कोई नहीं बचा सकता। ये बात स्टीवन को भी पता थी, वो बहुत डर गया था। शार्क लगातार उस पर अटैक कर रही थी। तब स्टीवन ने अपना हार्पून लिया और वापस शार्क पर हमला किया। 2-3 बार वार करने पर फाइनली शार्क वहां से चली गई। तब भी स्टीवन तैयार ही था क्योंकि शार्क कभी भी वापस आ सकती थी, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक शिप दिखाई दी। उसे देखकर स्टीवन ने तुरंत अपनी ब्लो टॉर्च निकाली। उसे लग रहा था उसका सर्वाइवल खत्म हो चुका है क्योंकि शिप उसके बिल्कुल सामने थी। बाहर कोई धुंध भी नहीं थी, रात भी बहुत काली थी, मतलब शिप पर से स्टीवन को आसानी से देखा जा सकता है। तब शिप उसकी तरफ आने लगी। उसे यकीन हो गया शिप से उसे किसी ने देख लिया है। उसने अपना वाटर कैन निकाला और चेयर्स करके पीने लगा। यहाँ तक कि उसे डीजल की स्मेल भी आ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो शिप उसके साइड से चली गई। तब स्टीवन सबसे ज्यादा खुद से डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि इतनी रात में अगर आप समुद्र में देख रहे हो तब भी ये समझना कि वो क्या चीज है ये बहुत मुश्किल है, और अगर कोई उस तरफ देख नहीं रहा फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं। अब स्टीवन फिर से समुद्र में बिल्कुल अकेला था, लेकिन अब उसे उम्मीद थी कि अब कोई ना कोई शिप उसे देख ही लेगी। अब 16वां दिन निकला। दिन भर स्टीवन अपने चारों तरफ देखता था कि कोई शिप उसे देख ले, लेकिन ऐसे ही 17, 18, 19, 20 फिर 24 दिन गुजर गए। अब अगले कुछ दिन तक रोज रात में उसे शिप दिखाई देती। वह हर शिप की तरफ सिग्नल देता था। अभी तक स्टीवन की किस्मत ने उसका साथ दिया था, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ क्योंकि एक भी शिप ने उसे नहीं देखा, सब उसके बाजू से गुजर गई। तब स्टीवन को रियलाइज हुआ शिपिंग रोड और बाकी समुद्र में कोई फर्क नहीं। उसने जो जो सोचा था कि उसे शिप दिखेगी वो अपने घर जाएगा, सब कुछ खत्म हो गया था। अब उसे 28 दिन हो चुके थे। उसे समुद्र में लगभग 1 महीना हो चुका है शिपिंग रूट पर होने के बावजूद अब तक किसी भी शिप ने उसे नोटिस नहीं किया। वही घर पर भी किसी को पता नहीं वो समुद्र में खो चुका है। तब 1 महीने में पहली बार था जब स्टीवन रो रहा था। उसे समझ आया उसकी जिंदगी कहाँ आ गई है। उसे अपनी जिंदगी बिल्कुल खाली लग रही थी। उस शाम स्टीवन बहुत रोया। 28 दिन समुद्र में सर्वाइव करने और लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उसे एक नई सच्चाई का सामना करना था कि अब उसके बचने का एक ही रास्ता है, उसे करेबियन तक पहुंचना होगा। लेकिन करेबियन उससे 1000 किलोमीटर दूर है। पहले ही उसे शिपिंग रूट तक पहुंचने में इतनी मुश्किलों का सामना
सामना करना पड़ा और लैंड तो शिपिंग रूट से बहुत दूर भी है। स्टीवन को समझ आ गया था उसे खुद ही खुद की मदद करनी पड़ेगी क्योंकि उसे बचाने कोई नहीं आएगा, उसे खुद आइलैंड तक जाना होगा। इसीलिए उसने तैयारी की और खुद को इस लंबे सफर के लिए मेंटली तैयार किया। स्टीवन लगभग रोज 25 किलोमीटर का सफर कर रहा था लेकिन अपने चैट्स देखते वक्त उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक ख्याल आया कि अगर वो गलती से नॉर्क की तरफ बह गया तब वो कैरेबियन को कम्प्लीटली मिस कर देगा और वापस अटलांटिक के बीच पहुंच जाएगा। लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं। अब स्टीवन को पूरे 30 दिन हो गए थे लेकिन राफ्ट और खुद की कंडीशन को देखकर स्टीवन को डाउट हो रहा था कि वो आगे सरवाइव कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके लिए राफ्ट के अंदर के हालात काफी खराब थे। क्योंकि राफ्ट के अंदर वो अपने पैर सीधे नहीं कर सकता था, नमक के पानी से उसकी स्किन में इन्फेक्शन भी होने लगा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे 40 दिन हो गए। अब स्टीवन ट्रॉपिकल वाटर एरिया में आ चुका था। ट्रॉपिकल वाटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पानी बहुत छिछला होता है, वहाँ पानी की डेंसिटी कम होती है और पानी भी समुद्र की दूसरी जगह से काफी गर्म रहता है। इस जगह बहुत गर्मी थी। स्टीवन का सोलार स्टील जितना पानी बना रहा था वो पानी काफी नहीं था। जगह गर्म होने की वजह से स्टीवन को ज्यादा प्यास लग रही थी। वो सोलार स्टील की एक एक बूंद को देख रहा था। स्टीवन बताता है अगर उस समय कोई एक ग्लास पानी के बदले उसके दोनों हाथ मांगता तो शायद एक ग्लास पानी के बदले वो उसे अपने दोनों हाथ दे भी देता। अब 44 दिन हो चुके थे। स्टीवन अपने स्पीयर को तेज कर रहा था। उस समय उसे हमेशा भूख लगती रहती थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी खुद के फैट और मसल को खाने लगी जिससे स्टीवन दुबला और कमजोर होने लगा। अब अपने तीर को तेज करने के बाद स्टीवन मछली पकड़ने तैयार था। अब वो कॉन्सेंट्रेट करके एक बार में ही मछली पकड़ लेता था लेकिन जैसे ही उसे लगा उसने मछली पकड़ ली उसे दिखाई दिया हार्पून का तीर ही उखड़ गया है। जब तक उसे कुछ समझ आता वो मछली उसके राफ्ट के नीचे चली गई जिससे राफ्ट भी फट गई। अब राफ्ट से लगातार हवा निकल रही थी। दरअसल उस मछली ने राफ्ट को पंचर कर दिया था। स्टीवन को पता था अब वो डूब सकता है। उसने अपने हाथ से राफ्ट की हवा रोकने की कोशिश की लेकिन एक बात अच्छी थी, लाइफ राफ्ट में दो एयर रिंग होते हैं। एक तो पंचर हो गई थी जिससे राफ्ट डूबती तो नहीं लेकिन अब स्टीवन के लिए राफ्ट पर खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। राफ्ट की इस कंडीशन में वो मछली नहीं पकड़ सकता। उसकी इमरजेंसी सर्वाइवल किट में राफ्ट का पंचर बनाने का भी कुछ सामान था। स्टीवन ने तुरंत राफ्ट का पंचर बनाया। राफ्ट से एक बलून जुड़ा था जिससे उसमें हवा भरी जाती है। स्टीवन तुरंत उस बलून को दबाकर राफ्ट में हवा भरने लगा लेकिन फिर भी उस जगह से हवा निकल रही थी। तब स्टीवन 45, 46 यहाँ तक कि 50वें दिन तक राफ्ट में हवा भरता रहा ताकि वो डूब ना जाए। लेकिन 50वें दिन स्टीवन की हिम्मत जवाब दे गई। अब स्टीवन को 51 दिन हो गए थे। उसे पता था ऐसी कंडीशन में राफ्ट बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और लगातार राफ्ट को पंप करने से उसकी ताकत भी खत्म होती रहेगी। उसके पास पानी था और कुछ मछली भी जो सूखती जा रही थी। जल्द ही उसे अपना स्टॉक बढ़ाना होगा लेकिन राफ्ट की ऐसी कंडीशन में वो मछली नहीं पकड़ सकता। अब अगले कुछ दिन राफ्ट को ठीक रखने के लिए स्टीवन कोशिशें करता रहा। वो लगातार पंप भी कर रहा था लेकिन एक दिन उसने हार मान ली। स्टीवन ने गिव अप कर दिया। वो सोचने लगा वो अकेले समुद्र में मरने वाला है। उसने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया। उसकी शादी टूट गई, उसके रिलेशनशिप भी ज्यादा नहीं चले। दरअसल स्टीवन ने अपने अलावा कभी किसी के बारे में सोचा नहीं था। अब भूखा प्यासा और बिना उम्मीद के स्टीवन को लग रहा था अब मौत ही उसे सुकून दे सकती है। तभी उसे राफ्ट से हवा निकलने की आवाज आई। तब उसे रियलाइज हुआ डूबकर मरना भी इतना आसान नहीं होता, इसीलिए आखिरी कोशिश के लिए उसने राफ्ट में कुछ ढूंढना शुरू किया ताकि किसी चीज से वो अपनी जान बचा सके। तभी उसे फोक दिखाई दिया। फोक को देखते ही उसे लगा उसने जो पंचर बनाया है उस पंचर को संभालने फोक मजबूत है। स्टीवन ने तुरंत फोक को पंचर की जगह लगाकर पंप करना शुरू किया और खुशकिस्मती से फोक ने पंचर का प्रेशर संभाल लिया। अब राफ्ट से हवा नहीं निकल रही थी, मतलब अब राफ्ट ठीक हो चुकी है। ये देखकर स्टीवन को बहुत खुशी हुई। वो वहाँ खुशी से उछलना चाहता था क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जीत थी। अब स्टीवन को समुद्र में 54 दिन हो चुके थे। उसने अपने हार्पून में चाकू लगा दिया था और उससे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका सप्लाई लगभग खत्म हो चुका है और अभी वो लैंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर था और उसकी बॉडी लगातार कमजोर होती जा रही थी। स्टीवन को रोज लगता था ये उसका आखिरी दिन है। ऐसे ही स्टीवन को समुद्र में 60 दिन मतलब पूरे 2 महीने हो गए। अब स्टीवन के लिए जैसे समय रुक गया था। वो बार बार अपनी घड़ी देखता था। 30 सेकंड बीतने पर उसे ऐसा लगता था जैसे घंटों बीत गए। अब उसे समुद्र में 66 दिन हो चुके थे और उस दिन स्टीवन की फाइनल लाइफ लाइन मतलब तीसरा सोलर स्टील भी खराब हो गया। स्टीवन ने देखा सोलर स्टील की वर्किंग लाइफ खत्म हो चुकी है। अब उस सोलर स्टील को रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। अब
उसके पास थोड़ा ही पानी बचा है। अब तो उसे किसी तरह की उम्मीद भी नहीं थी। अब उसे 69 दिन हो गए थे। उस रात स्टीवन ने अपनी रेडियम टॉर्च जलाई। इस समय उसके पास पानी के सिर्फ 3 कैन बचे थे। उस समय तो स्टीवन को लग रहा था वो तुरंत ही कैन का पानी पी जाए, लेकिन तब भी उसने किसी तरह खुद को रोके रखा। अब 70 से ज्यादा दिन अकेले पानी में बहते हुए स्टीवन धीरे धीरे मर रहा था। अब उसके बचने की सिर्फ एक उम्मीद है कि वो किसी तरह लैंड तक पहुंच जाए। अब 74 दिन हो जाते हैं। स्टीवन को रोज लगता था आज उसे आइलैंड दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर स्टीवन अपना मैप देखता है। उसे लगने लगा था उसने अपनी पोजीशन मिसकैलकुलेट तो नहीं की। अगर ऐसा हुआ है तो वो घूमकर वापस समुद्र के बीच में पहुंच गया होगा, जिसके बारे में उसे पता तक नहीं चला। इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए अब उसने कुछ भी करना छोड़ दिया। अब 75वां दिन होता है। स्टीवन अपना बचा हुआ पानी पीता है, लेकिन इतने दिन भूखा और प्यासा रहने की वजह से अब स्टीवन का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। उस दोपहर उसे समुद्र में वो खुद दिखाई देता है। सामने उसे अपनी ही जैसी लाइफ राफ्ट दिखाई देती है। उसे लग रहा था उसके आसपास वो लोग हैं जो उसके ही जैसे समुद्र में गुम होकर मारे गए, और वो भी उनमें से एक है। तब सामने उसे वो खुद डूबते हुए दिखाई दे रहा था। अब तो स्टीवन ने जिंदा बचने की सभी उम्मीदें छोड़ दी थी। अब वो फिजिकली भी कुछ भी करने की हालत में नहीं था। अब स्टीवन ने अपनी मौत को भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब आता है 76वां दिन। स्टीवन अपने राफ्ट पर सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें आई। जब उसने पलट कर देखा, उसके पास कुछ कचरा पड़ा था। उसमें प्लास्टिक की बॉटल्स थी। स्टीवन उन्हें छूकर देखने लगा, लेकिन जब उसने साइड में देखा, उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर स्टीवन वहां ध्यान से देखकर मुस्कुराने लगा। वहां देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। दरअसल सामने एक आइलैंड था जो उससे बस 5-6 किलोमीटर दूर है। उस आइलैंड की हरियाली देखकर स्टीवन जैसे हिप्नोटाइज हो गया था, क्योंकि वो 76 दिनों बाद कोई जमीन देख रहा था। अब थोड़ी देर बाद लहरें उसे आइलैंड के पास लेकर आई, लेकिन आइलैंड के पास आने पर स्टीवन को एक शॉक लगा। दरअसल आइलैंड का वो हिस्सा एकदम खड़ी चट्टानों से घिरा था। वहां से आइलैंड पर जाने का कोई रास्ता नहीं, और आइलैंड के करीब बहुत सारी चट्टाने होगी जिससे उसकी राफ्ट डूब सकती है, और उसमें तैरने की ताकत भी नहीं। तब स्टीवन ने पहली बार अपना पैडल निकाला ताकि आइलैंड की दूसरी तरफ जा सके। अब जैसे ही स्टीवन पैडल चलाने वाला था, उसे पता चला उसका सर्वाइवल यहाँ खत्म हो चुका है। सामने देखकर स्टीवन हंसने लगा। दरअसल सामने से एक बोट आ रही थी जिसमें दो आदमी भी थे। 76वें दिन की सुबह उस आइलैंड के लोकल मछुआरों ने स्टीवन को रेस्क्यू किया। उन्होंने उसे अपनी बोट में खींचा और उसे पानी पिलाया। मतलब इतनी कोशिशों के बाद स्टीवन की जान आखिरकार बच गई। 76 दिन छोटी सी राफ्ट में रहने की वजह से स्टीवन के पैर अकड़ गए थे और उसका काफी वजन भी कम हो गया था। ये स्टीवन के रेस्क्यू की असली फोटो है, जिसमें वो दो मछुआरे भी हैं जिन्हें स्टीवन मिला था। 6 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद स्टीवन अपने पेरेंट्स से मिला। उसे लगा था वो अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएगा। स्टीवन ने वो लाइफ राफ्ट भी अपने साथ रखी थी, और जिस आइलैंड के पास स्टीवन मिला था वो आइलैंड स्टीवन की डेस्टिनेशन से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, जहाँ स्टीवन अपनी बोट से जाने वाला था। मतलब वो हमेशा से सही रास्ते पर ही था। स्टीवन अपना चाकू भी दिखाता है जिससे वो मछलियां पकड़ता था। स्टीवन को लगता है उसका कोई काम अभी भी अधूरा है, इसीलिए वो अभी तक जिंदा है। और यहाँ ये स्टोरी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपको वो वीडियो भी पसंद आएगा जिसमें कुछ लोग अपने साथ इमरजेंसी सर्वाइवल किट लेकर नहीं आए और उनका क्या हाल हुआ। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वो वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।